हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी मौजूद हैं जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। सर, जो फैसला आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो फैसला आया है उसके बारे में मुझे यही कहना है कि बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है, और जिस तरह से हमने मांग की थी कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया जाए, आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो हमारी एप्लीकेशन थी 327 वो अलाउ की है और एएसआई के लिए ऑर्डर किया है। तो अब पूरे परिसर का, वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए। ये जो सर्वे किया जाएगा, किस तरीके का सर्वे होगा? और एक साइंटिफिक सर्वे है जो एएसआई करेगा, जिसमें बैरिकेडिंग के अंदर जो पूरा एरिया उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से, एक्सकेवेशन से और बाकी सारे माध्यम। गुम्बद के कुछ नीचे के एरिया के नीचे जो है हिंदू मंदिर का शिखर है, जिसकी भी जांच की जाएगी। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर इसको तो ये थे विष्णु शंकर जैन जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया, क्योंकि लगातार इनकी ये मांग थी कि कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे को लेकर ये मांग की गई थी, अपील की गई थी कोर्ट में, और आज वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। इसको लेकर इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक साइंटिफिक सर्वे की मांग जो इनकी तरफ से की गई थी उसे कोर्ट ने मान लिया है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।